सरकार ने 1850 रुपये मकई का रेट तय किया है, लेकिन किसान यहाँ के जो हैं किसी तरह की कोई मंडी व्यवस्था नहीं रहने के कारण किसानों को मजबूरी में अपना अनाज जो है 1100-1200 रुपये में जो स्थानीय व्यापारी हैं उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है जहाँ पर ये अपने अनाज को ले जा कर के बेचे और सरकार द्वारा तय की गई मूल्यों को पाए। इस बार जो जो रेट मिल रहा है आप लोगों को, क्या रेट मिल रहा है अभी? कहाँ रेट, 1200 रुपया रेट मिल रहा है हम लोगों को, 1100-1200 से ज़्यादा मिल रहा है। किसान को नुकसान है इससे, इस रेट में फ़ायदा किसी को नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। अगर रेट आगे बढ़े तो फ़ायदा हो सकता है। मंडी नहीं है, बगल में मार्केट नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो कैसे क्या कीजिएगा? अब तो उसी को देना पड़ेगा। हम लोग तो इतना थोड़ा थोड़ा माल लेके नहीं जाना पाएंगे दलकला या कटिहार, क्या कीजिएगा? उसको बीच वाले को देना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। सरकार कोई व्यवस्था करे यहाँ तो हो सकता है। 3 बीघा खेती किए तो मतलब रेट के हिसाब से बहुत परेशानी है, रेट नहीं मिलता है हम लोगों को, इसी बात से दिक्कत है, क्या की जाए। नहीं भी कर, अगर खेती नहीं करते हैं तो कैसे गुजारा करना, गुजारा तो करना पड़ेगा किसी तरह, लेकिन क्या करें। सब तरफ मतलब होता है, हम लोग का तरफ होता नहीं, मार्केट बहुत दूर में पड़ गया है, जो रेट मिलना चाहिए वो रेट हमको नहीं मिलता है। मार्केट यहाँ से जो है मेन मार्केट जो है जहाँ पर मंडी वगैरह कह सकते हैं उसको, जहाँ पर बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है, वो कहाँ पर है आसपास में? वो आसपास में यहाँ का तो मतलब जो खरीदारी करता है कोई इस्लामपुर लेके जाता है, इस्लामपुर मार्केट है ये, वो बंगाल में हो पड़ता है। उसके बाद जो थोड़ा बड़ा जो बड़ा पैक व्यापारी है वो दलकोला लेके जाता है। रेट को इस बार जो है लॉकडाउन ने प्रभावित किया है, रेट को जो है और भी कई तरह की चीज़ों ने प्रभावित किया है। लॉकडाउन की वजह से कीमत कम हुआ है ऐसा लगता है आपको? हाँ, हमको मतलब ये जो व्यापारी लोग है वो लोग के मुंह से हम सुन रहे हैं कि लॉकडाउन के वजह से ही थोड़ा रेट कम है, तो अभी हाँ उसका असर है। लॉकडाउन का कोई असर है लॉकडाउन की वजह से? क्या ऐसा आपको लगता है कि भाव में गिरावट है लॉकडाउन के कारण? ना, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है लॉकडाउन के कारण। लोगों से हमने बात की कि इनका खर्च कितना आता है, इन्होंने कई तरीके से अपने खर्च का ब्यौरा दिया। हमारा है 2.5 बीघा, 2.5 बीघा का जगह उस कम से कम करीबन 22,000 रुपया खर्चा हो चुका है। 22,000 तो जितना फसल होना चाहिए 2.5 बीघा में आपका, तो क्या उतना फसल हो पाया है इस बार? नहीं हुआ है। कितना खेती किए थे इस बार? 2 बीघा करीब किए थे। खर्चा वर्चा शुरू से लेके आखिर तक बताइए, कब क्या क्या किए, कितना खर्च हो गया? खाद का और तेल का तो इतना, डीजल का दाम है, लगाते परेशान हो गए। जितना लगत लगाए उतना तो लगता है नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, बराबर के उम्मीद है बराबर हो जाएगा। अपने अपने जेब से या कोई चीज़ ऐसा था जिसको बिगाड़ करके आपने किया? हम लोग जुगाड़ करके नहीं, हम लोग जो है कुछ सामान उमान मार्जिन करके उठाते हैं, उससे बस खर्चा पानी करते हैं, फिर देखते हैं जो हम सोचते हैं कि 2-4 रुपया बचेगा, लेकिन बचता कुछ नहीं है, बराबर हो जाता है। बीवी बच्चे का जेबर उबर बंधक उंधक दे के वैसे ही लगाए, अब सोचे कि होगा फसल अच्छा तो फिर बेच बूझ के छुड़ा लेंगे, लगता है तो छुड़ेगा नहीं। अच्छा। और किसान लोन भी लिए है, लोन भी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, ये खेती करने के लिए लोन भी लिए हैं, दे नहीं पा रहे। कितना जो है मूल्य मिल जाने से, कितना रेट मिलने से उनको फ़ायदा हो सकेगा? रेट मतलब तकरीबन हम किसान लोगों को अभी जिस तरीका से हम लोग मेहनत करते हैं, जिस तरीका से पैसा खर्चा आते, कम से कम 2000 होना चाहिए हम लोग किसान लोगों को, मिलना चाहिए 2000 रुपया। मोड़ा में 2000 के ऊपर मिल जाने से बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, 2000 कम से कम। उससे नीचे नहीं पोसाएगा ना। इस धूप में देखिए तो बच्चा को लेके, जो स्कूल जाने वाला बच्चा को लेके हम काम कर रहे हैं, बीवी को लेके काम कर रहे हैं, क्या कीजिएगा, करना ही पड़ेगा, नहीं करने तो होगा नहीं। तो मतलब अगर खुद हाथ नहीं लगाएं तो खर्चा और बढ़ जाएगा, मजदूर लेके करने से और कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं, और घर से भरना पड़ेगा।